हेलो फ्रेंड्स, बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पबजी खेलते हो तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ ऐसे गैजेट्स लेके आया हूँ जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी इम्प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे हाथ में है फ्लाई डीजी का ये एक ट्रिगर, जो कि इस समय है राइट हैंड के लिए। ऐसे दोस्तों मैंने लेफ्ट हैंड के लिए भी मंगवाया है ताकि मैं अपने दोनों हाथों से ट्रिगर कर पाऊँ। तो मैं एक हाथ से अपनी गन को संभालूंगा और दूसरे हाथ से दोस्तों यहाँ पर जम जुम करता रहूँगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैं अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकता हूँ। और दोस्तों साथ में मैंने एक बेस अस का भी ट्रिगर लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि इन दोनों में से कौन से ट्रिगर्स बेटर हैं। यहाँ पर इस टाइप का जो ट्रिगर्स, मतलब जैसे कि बेस यूएस देता है, वैसे ट्रिगर आपको कॉमनली मार्केट में मिल जाएंगे। आप इसको 200-250 रुपए में ले सकते हो, अमेजन पर ही आपको आराम से मिल जाते हैं। जबकि दोस्तों ये जो ट्रिगर हैं फ्लाई डीजी के, ये दोस्तों थोड़े से महंगे हैं। 800-850 रुपए के ये बैंगूट में मिलते हैं, अमेजन पर थोड़े से महंगे हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इन ट्रिगर्स में, मतलब इन 800 रुपए वाले ट्रिगर्स में और इन 150-200 रुपए वाले ट्रिगर्स में क्या डिफरेंस है और आपको किस में बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर भूवेश और आप देख रहे हैं बीसीडी टेक यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों, फ्लाई डीजे के पबजी ट्रिगर आते हैं कुछ इस टाइप की पैकिंग में। देख सकते हो जो पैकेज है वो काफ़ी बुरी हालत में रिसीव हुआ है, क्योंकि ये जो पैकेज है ये चाइना से आया है, तो यहाँ पर काफ़ी बुरी हालत है। चलिए दोस्तों, जो भी है यहाँ पर इस टाइप की पैकिंग है। तो अगर मैं डिब्बे को देखूँ तो यहाँ पर आपको डिब्बे में आगे की साइड को ट्रिगर की लेआउट मिल जाएगी। फ्लाई डीजी का ये ट्रिगर है। अब यहाँ पर स्ट्रिंजर लिखा हुआ तो समझ में आ रहा है, बाकी क्या लिखा हुआ मेरे समझ से तो बाहर है। यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेशन है, यहाँ पर QR कोड है, इस साइड बैंगूट का स्टिकर है, कैसे कनेक्ट करना है यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सीरियल नंबर, और यहाँ पर अगर आप देखोगे R001, मतलब कि ये राइट हैंड के लिए है। यहाँ पर कुछ स्टेप से लिखा हुआ है। तो ये है दोस्तों डिब्बा। बस इस डिब्बे में यही फ़र्क है कि ये जो ट्रिगर है ये लेफ्ट हैंड के लिए है, L001, तो ये लेफ्ट हैंड के लिए है और ये राइट हैंड के लिए। तो आइए दोस्तों करते हैं इनको अनबॉक्स। तो यहाँ पर डिब्बे में आपको एक तो ट्रिगर मिल जाता है, साथ में है USB केबल, माइक्रो USB केबल है चार्जिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, इन ट्रिगर्स में बैटरी भी है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर है, और साथ में कुछ बुकलेट भी है। तो यहाँ पर कैसे इसको यूज़ करना है, क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ सकते हो, और ये दोस्तों शायद इसका वारंटी कार्ड होगा। तो ये है दोस्तों इसके बॉक्स कंटेंट। तो यहाँ पर डिब्बे में एक तो मैनुअल है, एक USB केबल है और एक ट्रिगर है। चलिए दोस्तों, अब दूसरे को भी फटाफट से अनबॉक्स कर देते हैं। तो सेम थिंग इसमें भी मिलती है, एक USB केबल है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन भी है और फाइनली एक ट्रिगर भी है। चलिए दोस्तों ट्रिगर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ट्रिगर है वो पीछे से कुछ स्टेप से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर है बटन जो कि काफ़ी अच्छे से क्लिक कर रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पर एक स्विच है जिसके ज़रिए आप इसको वन शूट या फिर कंटिन्यू शूट मोड में स्विच कर सकते हो। अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इनका मतलब क्या है, इस साइड भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखने में जो ये दोनों ट्रिगर्स हैं, ये दोस्तों सिर्फ आपके यहाँ पर लेआउट में अलग हैं। यहाँ पर जो एज है वो इस डायरेक्शन में है, इस केस में इस डायरेक्शन में है। स्विचेस भी दोस्तों यहाँ पर अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आपको मिल जाता है लेफ्ट एंड राइट ट्रिगर में। और अगर आगे से देखा जाए तो यहाँ पर दिखने में बिल्कुल सेम है। तो ये है दोस्तों इसकी आर्म जहाँ से ट्रिगरिंग होगी। यहाँ पर एक LED लाइट भी है जो कि स्टेटस बताती है चार्जिंग के दौरान और जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो उसके दौरान। ऊपर की साइड को आपको माइक्रो USB पोर्ट मिल जाएगा चार्जिंग के लिए, और ये जो आर्म है ये हमारी फ्लेक्सिबल है, ये हमारी बाहर निकल भी जाती है। तो ये स्प्रिंग लोडेड है जो कि फ़ोन को होल्ड करने के लिए दिया गया है। इसी टाइप से दोस्तों आपको इसमें मिलती है। तो कंस्ट्रक्शन वाइज, लेआउट वाइज दोस्तों लगभग सेम है, बस दोस्तों यहाँ पर ओरिएंटेशन थोड़ी सी चेंज है ताकि एक लेफ्ट हैंड के लिए और एक राइट हैंड के लिए इस्तेमाल हो पाए। तो ये है दोस्तों फ्लाई डीजी के पबजी ट्रिगर। आइए अभी इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं बेस अस के पबजी ट्रिगर। तो ये है दोस्तों बेस अस का पबजी ट्रिगर, देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है होल्डर G9 मोबाइल गेम स्कोरिंग टूल। तो ये दोस्तों गेम में ज़्यादा स्कोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे दोस्तों ये वाले भी हैं, ये भी गेम में अच्छा स्कोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये बेस अस का प्रोडक्ट है, कुछ इस टाइप के डिब्बे में ये आता है। तो चलिए दोस्तों इसको अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पर
एक सिक्योरिटी सील है और उसके बाद डिब्बे को खोलते हैं तो यहाँ पर डिब्बे के अंदर एक केस मिल जाएगा। इस केस के ऊपर बेसस लिखा हुआ है। आइए इस केस को ओपन करते हैं। तो इस केस में दोस्तों दो पबजी ट्रिगर्स हैं और साथ में एक पबजी पेन। तो ये चीज़ दोस्तों मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, पबजी लिखा हुआ इसके ऊपर। चलिए इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं ट्रिगर्स को। तो यहाँ पर दोस्तों दो आइडेंटिकल ट्रिगर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर लेफ्ट राइट का कोई पंगा नहीं है, आप किसी को भी कहीं पर भी लगा सकते हो। दो फिजिकल बटन्स हैं इन ट्रिगर्स के ऊपर जिसके थ्रू ये टच को सिमुलेट करेगा। तो यहाँ पर होता ही है कि जब आप इन बटन्स को टैप करते हो तो आपके हाथ से जो चार्ज है वो कंडक्ट करता हुआ पहुँच जाता है यहाँ पर। तो ये चीज़ आगे जाके टच को ट्रिगर करती है, मतलब कि सिमुलेट करती है। तो यहाँ पर दो फिजिकल बटन्स हैं और इसी वजह से आप इसको लेफ्ट राइट किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। पीछे की साइड को एक क्लिप है जिसके थ्रू आप इन ट्रिगर्स को अपने फ़ोन पर टाइट कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पर फिजिकल लेआउट दोस्तों काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी दमदार दोस्तों यहाँ पर ये ट्रिगर्स हैं, देख लीजिए। आइए दोस्तों अब इन ट्रिगर्स को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैं अपना Realme 3 Pro इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इन ट्रिगर्स के साथ एक दिक्कत है कि आप डायरेक्टली इन ट्रिगर्स को फ़ोन के साथ नहीं लगा सकते हो। अगर आपने केस लगा रखा हो तो यहाँ पर जो ये स्पेसिंग है वो काफ़ी कम है। तो नाइदर दिस नॉर दिस, आप इनमें से किसी को भी डायरेक्टली केस के साथ यूज़ नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले केस को उतारना होगा और उसके बाद दोस्तों मैं इन ट्रिगर्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आइए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन ट्रिगर्स को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जाता हूँ सेटिंग के अंदर, उसके बाद कंट्रोल के अंदर, उसके बाद यहाँ पर कस्टमाइज दबाता हूँ और उसके बाद जो भी दोस्तों यहाँ पर मैं बटन मैप करना चाहता हूँ इन ट्रिगर्स के साथ उसको उठा के लगभग इस लोकेशन पर ले जाता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों मैं इस वाले फायरिंग बटन को यहाँ ले जाता हूँ और दोस्तों यहाँ पर मुझे ध्यान रखना है कि जहाँ पर ये जो कंडक्शन मैकेनिज्म है, चाहे दोस्तों इलेक्ट्रिकल ट्रिगर की बात करें, चाहे दोस्तों यहाँ पर कंडक्टिव ट्रिगर की बात करें, ये दोस्तों यहाँ पर मैप मतलब कि मैच हो जाना चाहिए। और दूसरी साइड दोस्तों मैं यहाँ पर मैप कर देता हूँ इस जंप बटन को, उसके बाद सेव करके एग्ज़िट कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों मैं अब यहाँ पर लेफ़्ट राइट में थोड़ा सा दिक्कत है तो मैं यहाँ पर जो राइट वाला है राइट साइड को लगा देता हूँ और उसके बाद दोस्तों जो लेफ़्ट वाला है वो मैं लेफ़्ट साइड को लगा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि ये थोड़ा सा फॉल्स ट्रिगरिंग कर रहा है, देख सकते हो कि अपने आप ये टैप करने लग गया है। तो अगर आपको इस टाइप की टच की प्रॉब्लम आती है, मतलब कि टच आपका एरेटिक बिहेवियर दिखाता है, तो आप इसको ऑफ कर दीजिए और उसके बाद फ़ोन को दोबारा से खोल दीजिए। तो दोस्तों अब ये जो ट्रिगर है ये बिल्कुल अच्छे से वर्क करने लग जाएगा। देख सकते हो कि अगर मैं इस वाले बटन को टैप करता हूँ तो ये इस बटन को सिमुलेट करता है और अगर मैं इसको टैप करता हूँ तो ये उछलने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो बटन्स मैंने मैप किए थे वो अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट हो गए हैं। आइए अब लूट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फायरिंग मोड और बाकी फंक्शंस के बारे में बताता हूँ। पहले जब आपको कहीं पर जंप करना होता था या फिर शूट करना होता था तो आपको अपने मूवमेंट को रोक के फायर बटन पर टैप करना होता था, बट दोस्तों इस केस में अब आप ट्रिगर को प्रेस करके फायर कर सकते हो। तो देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी आसानी से मैं अपने दो अंगूठों के साथ साथ इन दोनों उंगलियों का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो ट्रिगर है ये आपके कंट्रोल को दो गुना बढ़ा देते हैं। अगर आप देखोगे मैं चलते चलते शूट करना चाहता हूँ तो शूट भी कर सकता हूँ और साथ में उछलते उछलते भी शूट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स मुझे मिल जाती हैं इन ट्रिगर्स को यूज़ करने के बाद। तो काफ़ी अच्छा दोस्तों यहाँ पर मैकेनिज़्म है और मैं यहाँ पर ट्रिगर्स को रेकमेंड करता हूँ। स्पेशली दोस्तों कहा जाए अगर आप पबजी खेलते हो तो आपको इस टाइप के ट्रिगर्स ले लेने चाहिए। दोस्तों अगर आप फ्लाई डीजी के इन ट्रिगर्स को लेते हो तो आपको एक फ़ायदा और मिल जाता है। अगर आप इस वाले बटन को, अभी दोस्तों ये नीचे की साइड को है, अगर आप इस वाले बटन को नीचे कर देते हो तो आप दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास सूटेबल गन है तो आप दोस्तों एक क्लिक में मल्टीपल शूट कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं एक क्लिक करता हूँ तो ये जो फंक्शन है ये स्क्रीन पर 8 बार टैप करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपके पास कोई बढ़िया गन है जो कि मल्टीपल शूटिंग को सपोर्ट करती है तो ऐसे केस में दोस्तों आपकी जो शूटिंग पावर है इन ट्रिगर्स के थ्रू काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों ये देख लीजिए ये यहाँ पर मल्टीपल टैप कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर आपके पास
सूटेबल गन है, जैसे कि M16A है, तो आप यहाँ पर इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इस बटन को ऊपर की साइड पर रखते हो तो ये सिर्फ एक बार ही टैप करेगी। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ये ट्रिगर्स हैं। आइए दोस्तों अब बेस एस के इन ट्रिगर्स को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद इन ट्रिगर्स को निकाल देता हूँ और लगा देता हूँ इन ट्रिगर्स को। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो मुझे मैपिंग करनी होगी, क्योंकि इनकी जो स्पेसिंग है और इसकी जो स्पेसिंग है वो अलग अलग है। तो आइए चलते हैं सेटिंग के अंदर, कंट्रोल के अंदर और उसका कस्टमाइज के अंदर, और उसके बाद थोड़ा सा मैं सामान को नीचे कर देता हूँ। चलिए इसको सेव करके एग्ज़िट कर देते हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर मैं इन ट्रिगर्स को लगा देता हूँ। देख लीजिए बिल्कुल यहाँ पर मैप करना चाहिए, मतलब कि मैच करना चाहिए। और इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर मैं ये वाला ट्रिगर भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो ट्रिगर है वो वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे टच को रीस्टार्ट करना होगा। चलिए रीस्टार्ट करते हैं। तो अब दोस्तों ये चलना शुरू हो गया है। आइए ब्राइटनेस को फिर से बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों ये जो ट्रिगर है ये वर्क करने लग गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप इन ट्रिगर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपको सस्ते भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ट्रिगर्स हैं ये भी काफ़ी आसानी से वर्क करते हैं, कोई भी दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑल्दो दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, मतलब कि 100 में से एक दो बार ये फेल हो जाते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में दोस्तों ये वर्क करते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, बट एग्जैक्टली में उतनी ज़्यादा दिक्कत दोस्तों नहीं होगी। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि फ्लाइट डीजी के ये जो पबजी ट्रिगर हैं ये बेटर हैं एज कम्पेयर टू दीज टाइप ऑफ ट्रिगर। यहाँ पर ये इसलिए बेटर हैं, एक तो दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिकल ट्रिगरिंग है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि ट्रिगर को सिमुलेट करता है, और दूसरा दोस्तों इसमें आपको मल्टीपल शूटिंग की ऑप्शन मिल जाती है। जबकि दोस्तों अगर आपका बजट कम है, मतलब कि आप 800-850 रुपये नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ऐसे केस में दोस्तों आप इस टाइप के ट्रिगर भी ले सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, बट इस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार जो ट्रिगर है वो रिकॉग्नाइज नहीं होता है, मतलब कि आप क्लिक तो कर देते हो बट एग्जैक्टली में जो ये टच है ये स्क्रीन पर क्लिक नहीं करता है। तो ऐसे केस में यहाँ पर दिक्कत हो जाती है, जबकि दोस्तों इस टाइप की कोई दिक्कत मुझे फ्लाइट डीजी के इन ट्रिगर्स में देखने को नहीं मिली है। टच काफ़ी अच्छे से सिमुलेट होता है और यहाँ पर जो मल्टीपल शूटिंग का ऑप्शन है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो डेफिनेटली फ्लाइट डीजी के ये जो ट्रिगर्स हैं ये गेमिंग एक्सपीरियंस को आपके एक अलग लेवल तक पहुँचा देंगे। आप यहाँ पर प्रो प्लेयर बन सकते हो, चिकन डिनर आपके लिए दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं होगी। जबकि दोस्तों अगर आप अपनी गेमिंग को थोड़ा बहुत भी इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप इन ट्रिगर्स की तरफ को भी जा सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। बाकी दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा करके कि अगर आप अपने हाथों से, मतलब कि अपने दोनों अंगूठों से अभी तक गेमिंग कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली ट्रिगर्स ले लेने चाहिए। यहाँ पर ये जो ट्रिगर्स हैं ये आपको 2 डिग्री और प्रोवाइड करते हैं, जिसमें दोस्तों आप अपने थम्स के साथ साथ अपनी फिंगर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपको ट्रिगर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी दोस्तों आप कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको इन दोनों में से कौन से ट्रिगर अच्छे लगे। अगर आप पहले से ट्रिगर इस्तेमाल करते हो तो आप अपने ट्रिगर के बारे में बता सकते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, ताकि और लोग भी जान पाएं कि इस समय इंडिया में या फिर चाइना में कौन से ट्रिगर बेटर हैं और लोगों को कौन से लेने चाहिए। तो मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आता है तो लाइक तो बनता है, शेयर भी कर देना, ताकि और लोग भी जान पाए कि फ्लाइट डीजे के जो ट्रिगर्स हैं वो डेफिनेटली एक छोटे मोटे प्लेयर को प्रो प्लेयर बना सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।